आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका लंबे समय से अलीगढ़ की जनता को इंतज़ार था। राजा महेंद्र सिंह के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी की का शिलान्यास बस कुछ दिनों में होने वाला है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं अलीगढ़ सांसद सतीश जी। आप बताइए कि लंबे समय से आप भी कह रहे थे कि राजा महेंद्र सिंह ने ज़मीन दी थी एएमयू को, लेकिन उनको उपेक्षित रखा गया, तो किस तरीके से सरकार इसमें एक तरह से कहा जाए उनके योगदान को याद कर रही है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बना रही है। देखिए, आज ये अलीगढ़ के लिए और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अलीगढ़ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का और डिफेंस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबकी अपेक्षा थी, सबकी इच्छा थी, बच्चों की मांग थी। मेरी 2014 में सांसद बनने के बाद मेरी महत्वपूर्ण मांग रही, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप की भूमिका बुलाई नहीं जा सकती, चाहे वो देश विदेश में सेना बना के उन्होंने कृत किया हो, सम्मान बढ़ाया हो देश का। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने अलीगढ़ का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, ये बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है आपको एएमयू वालों ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं उन्होंने क्यों बुला दिया आखिर, और क्यों कोई भी किसी हॉल का नाम, क्या एक ईंट का नाम भी उनके नाम पर नहीं, इस पर क्या आपको इस पर आपत्ति है? देखिए, राजा महेंद्र प्रताप जो यूनिवर्सिटी बसी हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो राजा महेंद्र प्रताप जी की यूनिवर्सिटी जमीन पर है। सर सैयद खान साहब ने इसकी नींव रखी। जमीन नहीं होती तो नींव किस पे रखते? या तो प्रशासन बताए जमीन किसकी है, राजा महेंद्र प्रताप की नहीं है तो। मैं बताना चाहता हूँ, सिविल लाइन एरिया मोस्टली राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से जगह में बसा हुआ है, ज़्यादातर उनकी बहुत ज़मीन है। और पहले राजा रहे जिन्होंने ज़मीन को दान में दिया, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के, अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए, जिससे जनता का विकास हो सके, देश का विकास हो सके, उसके लिए दान में दिया। जो कह रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप की ज़मीन नहीं थी, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी नहीं है, वो पहले जानकारी प्राप्त करें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बच्चों को एससी एसटी ओबीसी बच्चों को जो आरक्षण नहीं मिल रहा है, उसकी बड़ी भूमिका कांग्रेस की रही कि जिसकी वजह से आज आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ये केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से बीएचयू है उसी तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। कायदे में मेरे एससी ओबीसी बच्चों को सबको आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। और जो आप कह रहे हैं कि भवन का निर्माण का नाम एक ईंट का नाम नहीं रखा, हॉल का नाम नहीं रखा, मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो जनता की मांग पर, मेरी मांग पर अलीगढ़ में उनका नाम यूनिवर्सिटी दे दी उनके नाम से, महापुरुष के नाम से, तो ये बहुत बड़ी बात है। महाराज का दिल देखिए आप, महाराज जी ने अलीगढ़ के जिसमें मुड़सान में पैदा हुए राजा महेंद्र प्रताप, विदेश में सेना बनाई, अफगानिस्तान में सेना बनाई, विदेश में बहुत जगह सेना का नेतृत्व किया। सांसद जी, टाइमिंग बड़े सवाल खड़े कर रही है, सवाल ये खड़े कर रही है कि राजा महेंद्र सिंह के नाम पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं चार चांद लग रहे हैं, आपके लिए मतलब मुफीद रहता है। दूसरा, इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, जाट लीडर्स उसको कहीं ना कहीं उसको लीड कर रहे हैं, तो कहीं ना उस कम्युनिटी में भी एक मैसेज है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज भी है पूरी तरह से। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप को जाट कहना ये बड़ी छोटी बात होगी, बहुत छोटी बात होगी। राजा महेंद्र प्रताप किसी कास्ट के नहीं थे, राजा महेंद्र प्रताप सब समाज के थे और सब समाज का नेतृत्व करते थे, चाहे प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, सबका नेतृत्व करते थे। और जिस तरह से वो नेतृत्व करते थे, ये बहुत बड़ा, ये सेना का सम्मान, ये अगर उन्हें जाट वर्ग से जोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी हरकत होगी। वो पूरे विश्व के, पूरे देश के, हमारे के नेता महाराजा थे और महापुरुष थे। महापुरुष को किसी कास्ट से जोड़ना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। सपना पूरा हो रहा है। कुल मिला के राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी की जो अब स्थापना अब होने जा रही है, आज उसका स्थलीय निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी आधारशिला रखेंगे, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी ने एक तीर से कई सारे निशाने साधे हैं। एक तरफ उन्होंने जो लगातार जो एएमयू में राजा महेंद्र सिंह के नाम पर जो पॉलिटिक्स जो गरमाई जाती थी तो उसको एक मैसेज देने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ जो इस समय लगातार जो जाट आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जिसमें जाट नेताओं की अहम भूमिका है, एक एक तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को भी मैसेज देने की कोशिश इस यूनिवर्सिटी के जरिए की गई है। अलीगढ़ से चतुर उपाध्याय, ABP।
गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।